तो गाइस बारिश के मौसम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की प्रॉब्लम, और साथ ही साथ हो जाती है हमारे बालों में बहुत ज्यादा रूसी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इस मौसम में बारिश होती है और बारिश की वजह से पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, जिससे कि गंदे पानी से जो हम बालों पे जब उसको यूज करते हैं तो वो बहुत अब वो हमारे बालों में हेयर फॉल का और डैंड्रफ का कारण बन जाता है, और हमारी स्कैल्प भी बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो जाती है हेयर फॉल की। और वैसे भी अगर बालों में हो गई है रूसी तो फिर ये तो तय मान लीजिए कि हेयर फॉल तो होना ही हो। हेलो गाइस, दिस इज रुचि, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल एंड टिप्स। तो गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि बारिश में आपको हो जाता है बहुत ज्यादा हेयर फॉल और डैंड्रफ, साथ ही साथ इची स्कैल्प हो जाती है आपकी, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और ये आप बारिश में ही नहीं, इसको अगर आप यूज करना चाहो तो हमेशा यूज करते हो कर सकते हो, लेकिन मैं बारिश में करती हूँ और हफ्ते में एक बार मैं जरूर इसको यूज करती हूँ। तो ये क्या है, क्या बनाया, ये हेयर पैक है, और हेयर पैक मैंने कैसे बनाया है, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और देख लेते हैं। इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक बाउल, और बाउल में आप लगभग 2 या 3 टेबल स्पून ले लो आंवला। और ये आंवला मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा कर लिया है, इसको मैंने कूट लिया था। और उसके बाद अब इसमें पानी डाल के आप अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद आप इसमें करी पत्ता मिक्स करके आप इसको पीस सकते हो, आप किसी चीज़ में मिक्सी में पीस सकते हो या फिर आप सिल्क की हेल्प से। तो गाइज मैंने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हो, और इसमें मैंने आंवला और करी पत्तियाँ मिलाई हैं। अब इसमें हम अपना आगे का जो हमारा प्रोसेस होगा उसको हम करेंगे। तो देख लीजिए आप, ये बिल्कुल बहुत ही छोटा छोटा हो गया है, मतलब कि बहुत ही इसका स्मूथ पेस्ट बना हुआ है, और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हो। अब अभी इसमें जो हम इन्ग्रीडियंट डालेंगे उससे ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज का जूस, जो मैंने पहले से तैयार करके रखा था, और प्याज का जूस हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब उसके बाद मैं इसमें 4 चम्मच डालूंगी दही के। दही हमारे बालों को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाता है, और आंवला हमारे बालों को काला करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसकी थिकनेस आप देख सकते हो, अगर आप इसको पतला करना चाहते हो तो आप इसको पतला भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे ही लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही लगा सकते हो। तो मैं ऐसे ही लगाऊंगी, मुझे इतना ही इसका थिक पेस्ट चाहिए होगा। और अब मैं इसको अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। तो गाइज ये ऐसा पेस्ट, इतना थिक सा पेस्ट मैंने बनाया है। अगर आप इसका थिक सा पेस्ट नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसको लिक्विडी में बना सकते हो, आप पानी की हेल्प से, या फिर आप दही और ज्यादा मिक्स कर दो इसमें, जिसकी हेल्प से बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में भी आ जाएगा। तो गाइज इसको लगाने से क्या होता है कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इची स्कैल्प है, और साथ ही साथ आपको बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसकी गुणवत्ता अगर आप बढ़ाना चाहते हो और अच्छे से इफेक्टेड करना चाहते हो, बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो बालों को आप बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसमें कैस्टर ऑयल और मिक्स कर सकते हो। आप इसमें कैस्टर ऑयल के साथ साथ आप इसमें ऑनियन जूस भी मिक्स कर सकते हो, ये बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे हम बाकी सारे हेयर पैक को यूज करते हैं, तो चलिए कैसे यूज करना है देख लेते हैं। और इसको हमको रूट टू टिप लगाना है, इसको ये नहीं है कि आपको रूट में लगा लो या फिर आप टिप में लगा लो, आपको पूरा रूट टू टिप लगाना है। और गाइज मैं एक चीज और आजकल यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज्यादा शाइनी आपको नजर आ रहे होंगे, तो मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ, और शैम्पू वो मैंने घर में बनाया है। घर में बनाया क्या है, वो हमारे पुराने जमाने में यूज होता था, हमारी दादी मम्मी नानी यूज करती थी, लेकिन हम भूल गए हैं उनको, तो मैंने वो वाला शैम्पू बनाया है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसको शेयर करूंगी, या फिर अगर मेरे बाल बढ़े तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे शाइनी तो बहुत ज्यादा हो गए, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सिल्की भी हो गए हैं, हेयर फॉल में भी बहुत ज्यादा अंतर आया है। तो चलिए इसको कैसे अप्लाई करना है देख लेते हैं। इसके लिए आपको छोटे छोटे बालों का सेक्शन ले लेना है और पूरा
रूट में अच्छे से लगा लो, उसके बाद आपको टिप टिप में भी लगाना है। तो टिप में थोड़ा सा हो सकता है लगाने में दिक्कत हो गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक है। अगर आपको बहुत ज्यादा थिक नहीं लगाना चाहते तो आप इसको पानी की हेल्प से, या फिर आप इसमें और ज्यादा दही डाल के आप इसको थोड़ा सा लिक्विडी भी बना सकते हैं। तो गाइस ये लगभग लग चुका है और ये बहुत अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है अपने बालों पे। तो इसको जब मैं वॉश करूँगी तो वॉश करने के बाद इसमें एक बहुत ही अच्छी शाइन होगी, बहुत अच्छा एक वो स्मूथ से बाल होंगे। तो गाइस अगर ये हेयर पैक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि लग गया है और आप देख सकते हो मैंने बन बना लिया है। तो अब मैं इसको सूख जाने के बाद, सूखने का मैं नहीं वेट करूंगी क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो हो सकता है सूखने में बहुत देर लग जाए, तो मैं इसको बस आधा घंटे रखूंगी। उसके बाद मैं इसको नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश कर लूंगी।